मासूमों की दर्द भरी गुहार जो गुजरात के अहमदाबाद में फंसे हैं। छतरपुर जिले के ग्राम कोर्राहा में रहने वाले मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए अहमदाबाद गए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने से दो दर्जन से अधिक मजदूर वहीं पर फंस गए। अब उनके पास ना तो पैसा है और ना ही राशन। उनके बच्चे भूख से परेशान हैं, मध्य प्रदेश शासन से अपने गाँव वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। सभी मजदूर अपने जनपदों और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। क्या इन मजदूरों का गरीब होना गुनाह है जो इनको गुजरात से नहीं बुलाया जा रहा है? क्या अमीरों के लिए है सरकार जो विदेशों और महानगरों से जहाज और बसें अमीरों के बच्चों को लाने के लिए कतार में खड़ी हैं? देखते हैं इन मासूमों की दर्द भरी गुहार की कब तक सुनाई होती है जो गुजरात के अहमदाबाद में ठाकुर भाई की चाली में रुके हुए हैं। यहाँ फंसे हुए हो? हम मजदूरी करने के लिए आए थे और एक महीने हम लोगों ने काम किया यहाँ गुजरात में, और लॉकडाउन हो गया था, इसलिए हम जो पैसा ठेकेदार ने हम लोगों को दिया था वो राशन पानी में पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोगों के पास ना पैसा है ना राशन पानी है, हम लोग भूख से परेशान हैं, इसलिए हम गाँव जाना चाहते हैं। और हमारी यही हमारे विधायक नीरज विनोद दीक्षित से कहना है कि हमें गांव पहुंचाएं, और हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि हमको गांव पहुंचाएं। आपका क्या कहना है? खाने पीने की दिक्कत है ही, कुछ है ही नहीं है घर में, राशन पानी ना काम लग रहा। अच्छा, काम लग रहा है नहीं, खावे पीवे है नहीं, भूख समय लेता हूँ, रूम का भाड़ा भी देना है वो भी ले लिया है। आप लोग? हम ग्राम कोर्राहा जिला छतरपुर के रहने वाले हैं, और हम गुजरात एक काम करने हैं, मजदूरी करने के लिए आए थे, और हमें यहाँ एक महीने हो गया है। जो हमें पैसा मिला था एक महीने का, वो हमारा राशन पानी में पूरा ख़त्म हो गया है, और हम भूख प्यास से परेशान हैं, इसलिए हम जो ठेकेदार ने पैसा दिया था वो ख़त्म हो गया है, भूख प्यास से परेशान हैं, और अब कंपनी भी चालू नहीं हो रही है। तो हमारे महाराजपुर तहसील के विधायक नीरज दीक्षित से यही अनुरोध है कि हमें गाँव पहुँचाएँ, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। आप हमारी भी यही परेशानी है खाने पीने की।